आकाश फल, मारुति का आकाश फल, इसे खाने से अवश्य ही मेरी भूख मिट जाएगी और माँ का दुख भी दूर हो जाएगा। अरे ये तो एक और गोला आ रहा है, ये तो बड़ा भी है और चमकीला भी। मारुति की एक और अद्भुत तथा नई लीला जिसने ग्रहों की गति को भी परिवर्तित कर दिया। मारुति की तीव्र गति और एकाग्रता को देखकर यह स्पष्ट था कि इस बार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकेंगे। मारुति की गति इतनी तीव्र थी कि जो भी ग्रह नक्षत्र मार्ग में पड़ते थे उन्हें स्वयं ही हटना पड़ता था। अब कौन रोकेगा मारुति की इस उड़ान को सूर्य लोक तक पहुंचने में? किसी भी कार्य में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सफलता का परिचायक होती है। देखते ही देखते मारुति शुक्र लोक के निकट पहुंच गए, जो असुरों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का लोक था। मुझ शुक्र की ओर कौन आ रहा है? अवश्य ही ये कोई शिव तत्व है। मैं इसके मार्ग से नहीं हटा तो ये मुझ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ही टकराएगा। हे मुरली मनोहर, शुक्राचार्य तो महर्षि भृगु के पुत्र हैं, फिर वो दैत्य और असुरों के गुरु कैसे बन गए? प्रिय, शुक्र के पिता तो थे महर्षि भृगु, किंतु उनकी माँ दैत्य राज हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या थी। काल क्रम में माँ और नाना के प्रभाव में शुक्र भी देव दैत्य के द्वंद में उलझ गए और दैत्यों के गुरु बन गए। परिणाम स्वरूप तीनों लोक शुक्र के मंगलकारी ज्ञान से दूर हो गए। आज शुक्र जैसा ज्ञानवान असुरों का हितैषी है और पूरी तरह लंकेश, रावण और मेघनाथ के साथ है, और साथ ही सदैव तीनों लोकों की आसुरी शक्तियों के विकास और एकता के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसा कोई दैत्य असुर राक्षस नहीं है जो उनके कथन का उल्लंघन कर सके। अपने दंड विधान से और नीति ज्ञान से ये देवताओं में भी अपना प्रभाव रखते हैं और देवता भी इनके तप और योग बल को महत्व देते हैं। प्राण वल्लभ, ये विधान है कि समस्त ग्रह अपने एक निर्धारित पथ पर ही विचरण करते हैं, किंतु मारुति के इस लीला भरे अभियान के कारण ग्रहों को अपने अपने मार्ग से विचलित होना पड़ रहा है। इसका प्रभाव तो सृष्टि पर ही पड़ेगा। अवश्य पड़ेगा प्रिय। ग्रहों की दशा और दिशा बदलने का प्रभाव मनुष्य से लेकर प्रकृति तक सब पर पड़ता है। बुध ग्रह के साथ तो और भी बड़ी समस्या थी, वो भूतल के अधिपति माने जाते हैं। जब वो अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं, जैसे
आंधी, अतिवृष्टि एवं अकाल। मारुति अपनी उड़ान में बुध ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुद्धलोक की ओर चला आ रहा है? यह तो अनर्थ हो गया। मुझ बुद्ध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। भविष्य में पृथ्वी पर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जगत नियंता सूर्यदेव, आपकी जय हो। कालचक्र के सुचारू रूप से संचालन करने वाले सूर्यदेव, आप सदैव प्रकाशित रहें और इस सृष्टि को सदैव प्रकाशित करते रहें। सृष्टि में व्याप्त समस्त अग्नियों के अधिष्ठाता सूर्यदेव, हम सब आपको नमन करते हैं। अग्निदेव, वरुण देव, काल देव और अन्य उपस्थित देवगण, आज पुनः वो समय आ गया है जब राहु मुझे ग्रसने वाला है। ये दरबार जो मेरी किरणों पर टिका हुआ है, सदैव काल क्रम के अनुसार चलता रहता है। मेरी पीड़ा को देखकर आप सब मुझे सांत्वना देने मेरे इस चलित दरबार में पधारे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सूर्यदेव, मैं राहु का ग्रसना रोक तो नहीं सकता, किंतु जब राहु आपको ग्रसता है तो मेरा हृदय भी बहुत पीड़ित होता है और उसी पीड़ा के परिणाम स्वरूप ग्रहण काल में संसार में व्याप्त जल दूषित हो जाता है। विद्वान मनुष्य उस समय जल ग्रहण नहीं करते। आपकी पीड़ा से मुझे भी बहुत दुख होता है सूर्यदेव, इसीलिए सृष्टि में स्थित समस्त प्रकार की अग्नियां मंद पड़ जाती है और यही कारण है कि ज्ञानी मनुष्य उस काल में भोजन आदि नहीं बनाते। सूर्यदेव, आपके इस दुख में हम भी आपके साथ होते हैं, इसीलिए तो सूतक से मोक्ष तक का ये काल अशुभ माना गया है और उस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है इस संसार में। क्या हुआ अरुण देव, आप भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? देव न जाने कौन है जो हमारी ओर तीव्र गति से बढ़ता हुआ आ रहा है। हमारी ओर? अभी राहु के आने का समय तो नहीं हुआ है, फिर ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कौन कर सकता है? देव, ये राहु तो है ही नहीं, ये कोई और है। अरुण देव, कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि तुम्हारे भ्राता गरुड़ के पुत्र संपाति ने भी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न किया था और उसका परिणाम क्या हुआ था। उसे तो मात मैंने जलाया था। ये तो भस्म हो जाए। किंतु इसे देखकर ऐसा लगता है प्रभु कि आपकी किरणों के ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
निकट तो आने दीजिए अरुण देव, फिर देखते हैं उस पर मेरे ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं। सूर्यदेव, आपकी अनुमति के बिना कोई सूर्यमंडल में कैसे प्रवेश कर सकता है? कदाचित उसे ज्ञात नहीं है कि इस सूर्यमंडल की रक्षा मैं कर रहा हूं। मैं वरुण देव, महाशक्तिशाली। जब मैं कुपित होता हूं तो संसार ही नहीं, समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है। प्रलय मचा देता हूं मैं, प्रलय। सूर्यदेव, सूर्यमंडल में प्रवेश करने से पूर्व उसे मुझ अग्निदेव का सामना करना होगा। ये समस्त संसार जीवित है तो मुझ अग्नि की कृपा से हवश्य से देह तक, काष्ठ से लौह तक मैं सब जला देता हूँ। वो जो भी है मेरी शक्ति के समक्ष दो पल भी नहीं टिक पाएगा। नारायण नारायण। बड़े बड़े बोल निकल रहे हैं अब देवों के श्रीमुख से, किंतु वे कौन हैं? मैं बताता हूं। आप सब देवता और देवराज इंद्र जिस चक्रासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सभाएं करते थे, उस चक्रासुर का वध करने वाला वानर बालक है ये। तनिक अबोध है ये। अबोध तो है, किंतु यहां क्यों चला आ रहा है वो? प्रभु की माया। इस वानर बालक की बुद्धि को ना जाने क्या हो गया है सूर्यदेव। मुझे तो लगता है कि ये आपको आकाश फल समझकर अपना आहार बनाने के लिए आ रहा है। अब देखते हैं कि पहले राहु आपको घ्रसता है या ये बालक आपको अपना आहार बनाता है। परिहास कर रहे हैं आप देवर्ष। आपको अभी भी लगता है कि मेरे सुरक्षा कवच को कोई भेद कर मेरी अनुमति के बिना कोई मुझ तक पहुंच सकता है? मेरे सूर्य मंडल के रक्षक देवों, जाओ और इस बालक को रोको। इसलिए नहीं कि मैं उससे भयभीत हो गया, इसलिए कि वो एक अबोध बालक है। उसे तो ज्ञात ही नहीं कि मेरे निकट आने से वो जल जाएगा, यहां तक कि प्राण भी जा सकते हैं उसके। बड़े बड़े शिलाखंड, मारुति इन्हें को अपनी गति बढ़ाने का माध्यम बनाएगा। आ रहा है मारुति अपना आकाश फल खाने। सूर्यदेव, वो वानर बालक का बोध हो या उद्दंड, किंतु एक बात निश्चित है, उस वानर बालक के पास मायावी शक्तियां हैं जिस कारण उसने चक्रासुर को मार गिराकर यहां आने का दुस्साहस किया।
सूर्यदेव, आप मुझे आज्ञा दें, मैं काल स्वयं उसे उसकी उदंडता का दंड दूंगा। यदि वह बालक उदंडी है तो अवश्य ही वो दंड का पात्र है। जाइए। सूर्यदेव, आपका सुरक्षा कवच तो अभेद है, कौन भेद पाएगा इसे? नारायण नारायण। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त्वं सत्यमास्थिता साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना एकतः सर्वसत्यानि तथा नृत्यशतानि च धर्माधर्म कृतां मध्ये स्थापितासि जगद्विते त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणमिह कीर्तिता मातोलयन्ति संसार दुध्वरस्व नमोस्तुते योऽसौ तत्त्वाधिपो देवः पुरुषः पञ्चविंशकः स एकोधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः। नमो नमस्ते गोविन्द तुलापुरुष संज्ञक त्वं हरे तारय स्वास्मान् स्मात् संसार कर्दमात्। महाराज, राजन, अब आप इस सामग्री को स्पर्श करें और इसे प्रजाजनों में बंटवाने का प्रबंध कीजिए। यज्ञ आरंभ करने हेतु यज्ञ मंडप में पधारे। जी पुरोहित जी। महारानी, आप जाकर हमारे पुत्र मारुति को भी ले आइए, उससे भी यज्ञ में आहुतियां डलवा देंगे। यदि उसे जगा दिया तो वो अवश्य ही भोजन के लिए हट करेगा। आप जाकर हमारे पुत्र मारुति को भी ले आइए, उससे भी यज्ञ में आहुतियां डलवा देंगे। किंतु महाराज, मारुति तो अभी सो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? युवराज मारुति अभी तक सो ही रहे हैं। हाँ, किंतु आप इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? महारानी जी, ग्रहण काल में सोना तो पूर्णतया वर्जित है, भाग्य भी सो जाता है। इस समय में मात्र पूजा, यज्ञ, दान आदि ही करना चाहिए। सुमेरु के युवराज का ग्रहण काल में सोना अशुभ एवं अनर्थकारी हो सकता है। किंतु राजपुरोहित जी, आप तो बता रहे थे कि ग्रहण काल आरंभ होने में समय है अभी। हाँ, कुछ ही समय शेष है। आपका बहुत बहुत आभार राजपुरोहित जी, समय रहते आपने बता दिया। मैं अभी जाकर मारुति को जगा लाती हूँ। महाराज, पधारिए। जी।